हेलो गाइस, आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और अगर आप करण वंश चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। और अभी टाइम हो चुका है 10:56, यानी 11:04 बाकी है। और मैं अपने रूम पे था और अभी मैं अपना जो जैसे बीएड है, बीएड की प्रैक्टिकल है अपनी, बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल है। तो मेरे जो प्रैक्टिकल है वो 24 से स्टार्ट है, 24 से लेके 26 तक 3 दिन चलेगी, मतलब 3 दिन 24, 25, 26, है ना। तो मैं प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा हूँ। जो जैसे मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस है और मैथमेटिक्स है, तो जैसे साइंस है, फिजिकल साइंस है ना, उसका कोई भी टॉपिक ले लिया अपने, तो ले लिया जैसे कि अपन ने टॉपिक ले लिया मैटर, है ना, मैटर का टॉपिक ले लिया। तो मैटर का एक मतलब लेसन प्लान बनाना है, एक तो अपने पास रखना है और एक जो टीचर है जैसे बोर्ड पे हमें समझाना है ना बच्चों को, तो एक मतलब टीचर के लिए मतलब बनाना है, एक अपने लिए एक टीचर के लिए ना। जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बोर्ड पे तो उसके लिए मतलब बनाना है लेसन प्लान। तो मैं लेसन प्लान जो बना रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर्स का, मैटर के लिए जो मैटर है वो मैंने सिलेक्ट किया है। मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन, स्टेट्स, 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीज स्टेट, है ना। तो मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ और स्टेट ऑफ मैटर का जो लेसन प्लान है वो मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर तो आप बताना कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई सा मतलब आसान टॉपिक बताना कि जिससे मैं अच्छे तरीके से बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर सकूं, और वह जो टॉपिक है जो मतलब बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकूं, मतलब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ सके जो हम करवा रहे हैं, है ना, वो बच्चों को बिल्कुल आसानी से ईजी मैथड से समझ आ सके ना। तो मेरे को ये 2 लेसन प्लान बनाने, मतलब फिजिकल साइंस के 2 और मैथमेटिक्स के 2, मतलब 2, 2, 4 लेसन प्लान बनाने हैं और प्लस चार्ट बनाना है। कोई भी मतलब मैथमेटिक्स का चार्ट बताना, आसान सा चार्ट बताना कि कैसे बनाया जाए। वैसे मेरे दिमाग में तो आया है नंबर सिस्टम, जैसे संख्या प्रणाली है नंबर सिस्टम, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, ये जो नंबर सिस्टम है इनका मैं चार्ट बना लूँ मैथमेटिक्स का। और जो अपनी साइंस है इसका मैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के बारे में है ना, जो उसका चार्ट बना लेता हूँ, है ना, तो ये बनाऊँगा मैं। और अभी मेरे को जाना है यस अहमद, जो इसकी साइकिल लेके आया था मैं, तो साइकिल लेके आए वो 8,000 की, तो उसकी जो थोड़े मतलब नट वगैरह कसवाया हूँगा, पेच वगैरह कसवाया हूँगा, थोड़ा तेल वगैरह डलवा दूँगा, जो भी मतलब उसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक करवाया हूँगा ना। तो यस का फोन आया था कि साइकिल ले जियो, तो उसको थोड़ा मतलब वो करवा लिया, क्योंकि यस तो अभी मतलब छोटा है, वो है 12-13 साल का, मतलब उसको मतलब बाजार में जाने से थोड़ा मतलब वो डर सा लगता है ना, और इसलिए मेरे को ले जानी पड़ेगी साइकिल, तो मैं ले जाऊँगा ना, तो ले जाता हूँ मैं इसकी साइकिल। तो अब टाइम हो चुका है 11:30 का, टाइम हो चुका इसकी साइकिल में ले आया था। ये है कठूरिया साइकिल वर्क का सर, यहाँ पे ले आया था इसकी साइकिल में, जो भी इसकी जो प्रॉब्लम है, जैसे मतलब सेल वगैरह जो आना है वो डलवा देंगे, है ना, जो भी नट बोल्ट है वो कस देंगे, पहली सर्विस आधी साइकिल की तो कर देंगे काम, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा साइकिल का, ना आराम हो चुका है। 2:01 का टाइम हो चुका है, यानी कि 2 बज चुके हैं, और मैं गाड़ी का पोल्यूशन करवाने के लिए आया था, तो ये भैया पोल्यूशन कर रहे हैं गाड़ी का, जो सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं। और भैया कैसे हो, ठीक हो? तो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, तो अब बना देंगे भैया पोल्यूशन सर्टिफिकेट, है ना, जो पहले वाला है वो तो आज 7 जुलाई मतलब जो लास्ट डेट थी वो आज थी, आखिरी थी लास्ट डेट, तो
तो उसके बाद आज दोबारा से मतलब रीन्यू जो नए सिरे से बनेगा ना तो वो बनवा रहे हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट। और ये है अम्बाला रोड, आयसर पेट्रोल पंप के पास में आया हुआ हूँ। हाँ जी, मैंने बनवा लिया था गाड़ी का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया था, बस अभी अभी बनवाया था। आप ये देख सकते हो, जो ये है अपना जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का, ये 7/7/2023 से 1/1/2024 देखता हूँ दोबारा डेट 6/1/2024 7/7/2023 से 6/1/2024 तक वैलिड है ये, मतलब 6 महीने का बना है। जो पेट्रोल वाली गड्डी है उसके लगते हैं 100 रुपीज़ लगते हैं उसके पेट्रोल वाली गाड़ी के। तो बनवा लिया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है क्योंकि चलान वगैरह कट जाए कहीं, है ना, फिर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मतलब गाड़ी का चलान वगैरह न कटे, है ना। तो बहुत ही ज़रूरी होता है ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी गाड़ी का यह पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भी बनवा लीजिए, है ना। तो बहुत ही मतलब यूजफुल होता है, ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए। तो बनवा लिया था मैंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अभी टाइम हो चुका है 2:27 का टाइम हो चुका है, यानी कि 3:30 बाकी है और मैं गाड़ी का जो पोल्यूशन है वो सर्टिफिकेट होता है जो पोल्यूशन का वो बनवा के ले आया था, बस अभी अभी घर पे आया हूँ। और अब हो गया है खाना का टाइम, यानी कि जो लंच है लंच का टाइम हो चुका है ना। तो आप में से भी कुछ ने दोपहर का भोजन कर दिया होगा, कुछ अभी करेंगे, है ना। तो दोपहर के भोजन का टाइम हो गया है, समय हो गया है। तो मैंने बोला है मम्मी को कि मम्मी जी खाना बना दो, रोटी बना दो। तो मम्मी जी बनाएंगे अभी खाना, है ना। तो फिर खा लूँगा मैं भी खाना, दोपहर का जो भोजन है वो कर लूँगा मैं, लंच कर लूँगा, है ना। आपने भी कर लिया होगा या कर रहे होंगे, है ना। टाइम हो चुका है 9:20 और मैंने खाना खा लिया था। बस खाना खा करके अभी घूमने के लिए आया था, टहलने के लिए आया था, क्योंकि जो अपना खाना है ना, जो अपना भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। जो भोजन मतलब पाचन शक्ति है हमारे, जो भोजन के खाने की क्षमता है वो थोड़ी बहुत जाती है, ढल जाती है ना। और पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ, अपने पड़ोस में जब कैथन में थोड़े अब ये लगा लो थोड़े दिन पहले, 1-2-3-4 दिन पहले ये लगा लो, हाँ 3-4 दिन पहले, मतलब अब बारिश आई थी ना, जो बारिश आई थी तो उसमें अपने पड़ोस में, जैसे हमारे गली 563M है अपना जो मकान नंबर है, तो 563 वाली गली से पिछली गली में 489 तो उस गली में एक लड़की है, 18.5 साल की है, 18.5 साल की थी वो बेचारी, एक्सपायर हो गई। पता नहीं क्या हो गया बेचारी का, अचानक क्या हुआ, डिप्रेशन का शिकार थी, यही बोल रहे हैं ना। तो मतलब +2 में उसके पास मेडिकल थी, वो कोचिंग ले रही थी जैसे डॉक्टर की, एग्ज़ाम होते हैं ना जो नेट का, तो उस चीज़ की कोचिंग ले रही थी। तो चंडीगढ़ रहती थी वो गुड़िया, और जैसे हेलन जो इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़, तो वहाँ पे वो कोचिंग ले रही थी। तो एग्ज़ाम था 7 मई का था, जो नेट वाला था, तो बेचारे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब डिप्रेशन में थी वो गुड़िया, और डिप्रेशन की मतलब गोलियां खा रही थी, है ना। तो पेरेंट्स पूछते तो पेरेंट्स को भी नहीं मतलब सही जवाब देती, है ना, थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी वो लड़की। तो
तो मतलब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप पेरेंट्स या जो आप स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स तो पहले अपने जैसे 10th के बाद +1 +2 है ना, तो आप पहले ही अपने माता पिता को चेत कर दिया करो कि मुझे तो ये है सब्जेक्ट लेनी है, आर्ट लेनी है, आपका इंटरेस्ट आर्ट में है तो मतलब आर्ट ही लो आप, ठीक है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स लेना चाहते हो, अगर आपको ये है कि हम चला लेंगे आगे जाके मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है ना, तो आप चलाओ है ना, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए चलाने का भी है ना, तो मतलब पूरा वो होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए जैसे चलाने का, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है ना, तब ही जाके आप लेना। ये नहीं कि पेरेंट्स के प्रेशर में या किसी के जो प्रेशर में, जिसका भी आप दबाव मानते हो, उनके प्रेशर में आप मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स लेना चाहते हो ना, तो उनके कहने से ही आप लोगे ना, तो आपको मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब प्रेशर नहीं लेना है ना, तो आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, जो कुछ करोगे आप मतलब लाइफ में है ना, वो आपकी लाइफ है, आपको देखना है ना। और पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा मतलब वो ना, मतलब स्ट्रिक्टनेस ना दिखाए है ना, जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना वो ना दिखाई, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मतलब सोच लेते हैं अपने दिमाग में है ना, तो मतलब दिमाग घूमता रहता है बच्चों का, तो प्यार से समझाएं, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से ना समझाएं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो बच्चे हैं, मन के अंदर जो भी बात है वो बोल, जिसको आप मानते हो अच्छा उसके सामने आप प्रकट कर सकते हो अपने मन के विचारों को, ये नहीं कि मन के अंदर लेके बैठना है ना, कि जिसको आप अच्छा समझते हो कि यह इंसान अच्छा है, मतलब कि कहने का मतलब जिस पर आप विश्वास करते हो है ना, और आपके हर सपोर्ट में काम आता है, हर कदम में आपका साथ देता है ना, तो ऐसे इंसान को आप अपनी बात शेयर करने का मौका दीजिए है ना, आप उसके सामने अपनी बात रखिए, पेरेंट्स के सामने रखिएगा है ना, जो भी जो गार्डियन है उनके सामने रखिएगा, जो मतलब जिसको भी आप समझते हो यह मेरी सॉल्यूशन कर सकता है समस्या का है ना। तो यही था मेरे आज के व्लॉग में, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।